आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। इफ 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास 50 ग्राम पर मोल इज डिसॉल्वड इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1 केल्विन। तो गाइस देखिए यहाँ पर सोल्यूट का मास कितना दे रखा है 1 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास उसका 50 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट क्या है 1 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट 50 ग्राम पर मोल। ओके गाइज, अब यहाँ पर आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TB जो कि 1 केल्विन यहाँ पर दे रखा है एंड द मोलर बॉइलिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द सोलवेंट इज, और 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलर बॉइलिंग कॉन्स्टेंट जो कि KB के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, KB से डिनोट हम उसको करते हैं। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB टाइम्स ऑफ स्मॉल m, और यहाँ पर स्मॉल m क्या होता है गाइज, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है गाइज वेट ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है गाइज, एंड डिसॉल्वड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है गाइज, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में हमारे पास सॉल्वेंट गिवन है 50 ग्राम, इसलिए हम इसको सॉल्वेंट का जो वेट ले लेंगे, सोलवेंट वेट वो ग्राम में ले लेंगे। और अगर गैस डायरेक्टली किलोग्राम में पुट करते हैं तो यहाँ पर 1000 नहीं आएगा। ओके, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो अब हम देखें इनमें मोलैलिटी हो गई हमारी, डेल्टा TB हमें पता है, तो KB इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए KB का क्या बन गया फॉर्मूला, डेल्टा TB डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ओके गैस, एंड डेल्टा TB हमें पता है कितना है, 1 केल्विन डिवाइडेड बाई मोलैलिटी। तो ये जो है हमारी टर्मिनोलॉजी, ये क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो रिवर्स करेंगे तो देखिए क्या बन गई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। ठीक है गाइस, तो ये हमारा KB की क्या हो गई, वैल्यू का फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें गाइस कितना दे रखा है, 50 ग्राम पर मोल, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रहा 50 ग्राम पर मोल। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी हमारा 50 ग्राम दे रखा है। ठीक है गाइस, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों 50-50 है। तो 50 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारा 1000, और यहाँ क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें कितना दे रखा है, 1 ग्राम, जो ये हो गया 1। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हम देखें तो कितनी हो गई हमारी कैलकुलेशन, 5 5 25 एंड 0 and 0, 55-50 था, डिवाइडेड बाई 1000। तो गाइज ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 decimal place अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो यहाँ से 1, 2, 3, तो ये हमारा 2.5 आता है। ओके गाइज, और अगर ऑप्शंस में हम देखें तो पहला ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 2.5 एंड फोर्थ है 5। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं गाइज, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।